करेज इज कॉन्फिडेंस विच सेपरेट नॉर्मल पीपल फ्राम सक्सेसफुल पीपल बहुत कुछ करती हैं लेकिन पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही है, है. है अडोप्ट करते हैं छोटी छोड़ छोटी चीजों के साथ आप कितनी हजारों लाखों खत को औरतों को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो टू बी इंडिपेंडेंट अब ना टाइम बदल रहा है अब मैंने एक दो साल में देखा है कि लड़कियां अब खुद बहुत ज्यादा बाइक की तरफ आ रही है आप लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मुझे कुछ बच्चिया मिली वहाँ पे जिन्होंने कहा कि वी हैव स्टार्टेड राइडिंग आफ्टर वाचिंग योर शो राफिया अब तक कितनी जगह एक्सप्लोर कर ली और सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया पंजाब वाला पूरा एरिया तकरीबन सारा कवर कर लिया नॉर्थ पंजाब साउथ पंजाब वाले हम दो दो बार भी हुआ है जब भी ट्रैवलिंग की बात आती है तो लोगों को लगता है इट्स नॉर्थ पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पे यू कुड गो एन ट्रेवल एन फान लेकिन अगर आप बाकी जगह देखें तो पाकिस्तान की वो जगह बहुत खूबसूरत है हिस्ट्री भी है वहाँ पे। हाँ, हिस्ट्री है। है। तो है जगह पे हम कोशिश करते हैं उन जगहों पे जाएं जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर नहीं है जब भी कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा करना चाहे बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपके क्रिटिसिज्म के लिए सबसे क्या फेस करना पड़ा दिस अभी भी होता है आई वाज श्योर दैट्स अ पार्ट थ्रू आउट योर जर्नी ये चीज आपके साथ रहती है थ्रू आउट आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हमेशा होते हैं अगर आप कुछ नहीं करें तब भी आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे पहले तो मुझसे टैकल नहीं होता था। मैं चले जाती थी एंगजाइटी वाले फेस में फिर जब उस फेस से निकलती थी ना मैं ज्यादा इंकरेज होकर निकलती थी सारा पाकिस्तान जब एक्सप्लोर कर लोगे अपनी बाइक के ऊपर फिर क्या करोगे आ, बाहर निकलोगे फिर यू विल मेक पाकिस्तान प्राउड पाकिस्तान से कोई लड़की बाइक पे बाहर जा रही है एक पाकिस्तान का इमेज भी बहुत डिफरेंट होगा ट्रस्ट योर डॉटर्स उन पे यकीन करें इस चीज का कि वो कर सकती हैं उनको एक दायरे में रहकर उनको, उनको उनका काम करेंगे ताकि दे कुड कुड ग्रो एंड दे लर्न एज वेल Hi viewers, this is Nadia Sajid. Courage is confidence, which separates normal people from successful people. This keeps Confidence hai, courage hai. वो फिर बहुत आगे निकल जाता है। Normal लोगों को, आम लोगों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। We are very happy to have Rafia Aslam with us today. बहुत कुछ करती हैं, लेकिन Pakistan को explore कर रही हैं bike ऊपर। अकेली ट्रैवल करती हैं और बहुत बहुत खूबसूरत जगहों पे जाती हैं आई एम श्योर बहुत से आप लग लोगों ने इनको देखा होगा और जो नहीं जानते नहीं देखे तो आज आप जानेंगे क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं राफिया असलम के साथ अल्लाह राफिया हाउ यू वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं नादिया थैंक यू सो मच बहुत खुशी हो रही है राफिया की लाइफ का आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है और आज के दिन ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं बिकॉज आज इनकी कॉन्वकेशन से ये सीधा यहाँ पे आ रही हैं एक फार्मासिस्ट हैं ये जिनकी फ़ाइनल कॉन्वोकेशन थी एंड उसके साथ साथ बाइकिंग करती हैं और पूरे पाकिस्तान में मुश्किल मुश्किल रस्तों पे जहाँ हम गाड़ी पे जाते वक्त हमारा यानी कि जान निकली होती है सेफ्टी को लेके अपनी क्यों रोड सेफ्टी को लेके लोगों के पता नहीं होता तो कि आगे जाएंगे तो किस किस्म के लोग मिलेंगे रास्ते में क्या हो सकता है हम गाड़ियों पे जाते हैं फैमिली सेट जाते हैं वहाँ ये अकेली जाती है और आरजे भी रही हैं होस्ट भी हैं बहुत कुछ इकट्ठे ले लेके चले अ पैक ऑफ एनर्जी एंड करेज बात करते हैं राफिया करेज होना बहुत अच्छी बात है इतने करेजियस होना सब कुछ लेकिन यू आर गिफ्टेड कैसे इतनी करेज आई इतना कॉन्फिडेंस आया Uh, क्या शुरू से था बचपन से था <laughs> नहीं, नहीं बिल्कुल <laughs> नहीं। भी नहीं या फिर uh, किसी फेयर को ओवरकम करते करते एकदम इतने आप कॉन्फिडेंट हो गए इट्स ए स्लो प्रोसेस या आपको शुरू में तो बिल्कुल शायद किसी के पास भी नहीं होता इट्स लाइक एवरीबडी द सेम पेस लेकिन आप विद टाइम इसे सीखते हैं अडॉप्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ वे अचीव लाइक लिटिल गोल्स इन छोटी छोटी चीज इस तरह से कि अगर आपने कॉन्फिडेंस ही सीखना है सिंपल तो उसके जो पहला स्टेप है पहले वो करते हैं देन सेकंड सेकंड फिर करते करते आपका करेज भी बढ़ता जाता है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है दैट्स हाउ यू डू इट अच्छा राफिया आप बहुत आई एम श्योर इन्जॉय कर रहे हो ट्रैवलिंग को और आपको खुद भी बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज दिस इज नॉट योर प्रोफेशन काइंड ऑफ प्रोफेशन बट या उसके साइड में आप फार्मासिस्ट भी हो और आपकी लाइफ में और uh, काफी और प्लान्स हैं ये सब कुछ आप कर रहे हो सो डू यू नो आप कितनी हजारों लाखों ख़ीन को औरतों को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो टू बी इंडिपेंडेंट कि अगर आप उन पहाड़ों पे जा सकते हो अकेले बाइक पकड़ के जा सकते हो तो आप अपनी ही सिटी में अपने ही जगह पे क्यों आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हम लोग अक्सर अकेले रिक्शा लेते हुए डरते हैं अकेले खुद ड्राइव करते हुए डरते हैं कि जी साथ कोई ज़रूर होना चाहिए अब रात हो गई अब ये हो गया अब वो हो गया सो so, कितने लोग आप वो इंडिपेंडेंस अच्छा, का वो रहे हो कि इसका अच्छा फील होता शुरू में तो ऑनेस्टली मुझे मुझे लग रहा था कि नहीं वैसे ही कह रहे मज़ाक चल रहा है बट एक्चुअली आफ्टर वाइल नाउ आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि हाँ नहीं, लोग वाकई इस चीज़ को देख रहे होते हैं और फिर कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हो रहे होते हैं और फिर शायद फॉलो भी कर रहे होते हैं मुझे वन आई वेंट टू नॉर्थ क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जगह हुई इधर की कवर करते हैं और टू द साउथ आइज बट एक्चुअली स्पेसिफिकली नॉर्थ मुझे कुछ बच्चियाँ मिली वहाँ पर जिन्होंने कहा कि वी हैव स्टार्टड लाइक राइडिंग आफ्टर वॉचिंग योर शो और ये ये बाइक के हवाले से भी तो लोग मिल रहे थे लेकिन व्लॉगिंग के मुझे बहुत सारे लोग लो क्या बच्चे खास तौर पे मिले जिन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी आफ्टर वॉचिंग नी व्लॉगिंग सो so वो, वो मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ लाइक अच्छा तो आई एम लाइक अच्छा ओके सो इट हैपेंस लोग आपको अगर आप इस तरह काम करें तो लेकिन देख के फॉलो भी कर रहे अच्छा महसूस हो रहा होता है कि एटलीस्ट People have started doing, वो में रहे आके पंजाब वाली साइड से लोग आके हमारी जगह एक्सप्लोर कर देते हैं तो फिर इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग नॉट अस तो वो फिर एक चीज देख के बड़ी अच्छी लगती है द पीपल आर डूंग वर्क अपना टाइम बदल रहा है अब मैं अभी भी जब आ रही थी नॉर्मली भी पिछले मैंने एक दो साल में देखा है कि लड़कियां अब खुद बहुत ज्यादा बाइक की तरफ आ रही है इट्स नॉट लाइक की वो इसलिए कर रही है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है इंडिपेंडेंस yeah. yeah. और इस तरह से कि अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करी वन माई फ्रेंड्स जो कि पिछले पंद्रह साल से बाइक पे ही अपनी जॉब प्लेस पे आ रही है जा रही है very, बहुत, कम. हाँ, बहुत कम है लेकिन अब रुझान बढ़ रहा है अब से अगर पिछले पांच साल बात करें पहले चले जाए कुछ उस टाइम हाँ. हाँ तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था उससे दस साल भी पहले चले जाए तो सब लोग देखते, देखते थे, थे।, थे। हाँ, <laughs> ताँग कि ताँग देखते, ताँग देखते थे। कि ये क्या लेकिन अब ऐसे होता है कि अब लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और अब कॉमन भी होता जा रहा है काफी लोग जो हैं वो कर रहे हैं मुझे अब एक बार अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना कोई दस पंद्रह किलोमीटर के रास्ते में मुझे कोई तीन चार बाइक्स लड़कियां नजर आ जाती हैं बट आई एम श्योर दे आर टेकिंग लॉट ऑफ इंस्परेशन फ्राम यू कि अगर आप पहाड़ों पे जा सकते हो इतनी दूर दूर तो हम अपने शहर में क्यों नहीं जा सकते अभी लास्ट uh, मंथ की बात है रेलवे स्टेडियम पे आई वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट और uh, सब ये लाइक अंडर नाइनटीन फीमेल्स का वहाँ पे था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं जाके आई वॉन्ट टू वॉच इट किस तरह यानी कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही हैं और ख़ुद से जाके ये वुमेन क्रिकेट जो है इतना वो आगे जा रहा है बड़ा मज़ा आया मैच करके मुझे सबसे ज़्यादा मजा आया उस आखिरी सीन का जब मैं वापस जाने लगी और मैं रिवर्स कर रही थी आई सौ के वो जितनी बच्चियाँ खेल रही थी अंडर नाइनटीन सब ने अपनी किट अपनी बैक पैक बना के पीछे लगाई बाइक में बैठी एंड गॉन बाई द टाइम में रिवर्स करी थी वो सब ने यू नो मजे से फुल स्पीड में निकल भी गई दे वर नॉट वेटिंग कि अब भाई पिक करने आएगा आ, अब रिक्शा वाला आएगा अब वो आएगा गाड़ी वाला आएगा, आएगा कोई लेने आएगा, आएगा, आएगा और बैठ के इंतजार कर नो दे वर सो इंडिपेंडेंट वो कैच थी काफी भारी से पीछे लगाई और बस निकल गए टाइम बदल रहा है बिल्कुल बिल्कुल और बड़ी खुशी होती है खुशी होती है कि दे आर इंडिपेंडेंट आई मीन एक इंडिपेंडेंस का जो एक मजा है नशा है नशा वो एक दफा किसी को आ जाता फिर बिल्कुल <laughs> <laughs> बिल्कुल हाँ. को को हाँ. हाँ, बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि उनका पैशन होता है और बहुत सारे लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि शायद उनकी कहीं ना कि कोई मजबूरी भी होती है घर में कोई नहीं होता है अच्छा राफिया अब तक कितनी जगह एक्सप्लोर कर ली और सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया अच्छा बाइक पे ना मैं सिर्फ अभी तक सिंध वाली साइड पे नहीं गई और वो लोचिस्तान जो पंजाब वाला पूरा एरिया तकरीबन सारा कवर कर लिया नॉर्थ पंजाब साउथ पंजाब हम दो दो बार भी हो होते हैं ये वाला हमारा पूरा पंजाब का हिस्सा फिर उसके अलावा नॉर्थ के जितने एरियाज नॉर्थ में भी कवर है बहुत मजा आया लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ क्या है कि जब भी ट्रेवलिंग की बात आती है तो लोगों को लगता है इच्छा नॉर्थ पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पे यू गो एंड लेकिन अगर आप बाकी जगह देखें तो पाकिस्तान की वो जगह बहुत खूबसूरत हिस्ट्री भी है वहाँ हाँ, पे. हिस्ट्री तो हर जगह पे है। हिस्ट्री तो आप कोई भी जगह उठा लेना पाकिस्तान की तो वो हमें 5000 हजार साल पुरानी भी हिस्ट्री मिलती है हमारे पास हड़प्पा है मोहनजोदड़ो है फिर अगर नॉर्थ की बात करी थी हाँ वो बहुत मज़े की जगह है लेकिन इफ़ यू गो टू द साउथ साइड तो साउथ में भी हमारे पास इतने मज़े के इतने मुख्तलिफ से कल्चर हैं आई हैव बीन टू एक्चुअली बीन टू ट्राइब जो कि मारवाड़ी लोग कहलाते हैं बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर के पास है इंडिया के करीब अच्छा।, अच्छा वो लोग आपने सुना होगा सफेद रंग की जो चूड़िया नाजैक्टली पहनता है उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है वो लोग वहां रहते हैं सो उनके साथ आई गेट अ चांस टू स्पेंड ट्वेंटी फोर आवर्स विद और उनके ट्रेडिशनल कपड़े पहने और उनके साथ अब भी जाते हो और कपड़े do, really uh. तो वो जो है वो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था

तो पता नहीं मेरा दिल ऐसे ऑटोमेटिकली खुद ही अंदर से खुश होना शुरू हो जाता है आई स्टार्ट फीलिंग लाइक आई स्टार्ट गिविंग गुड वाइब्स तो किसी भी जगह पे जाऊँ तो वापसी पे अला हाफज कहना उन लोगों को भी और जगह से वापस आना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है हाँ, कभी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा डब अगर टाइम गुजर गए तो बीस पच्चीस दिन हो गए तो फिर आई एम लाइक है हाँ नहीं चले जाना चाहिए क्योंकि घर की भी याद आ रही हो और सब लोग आप जितने भी जगह गए हो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से सब लोग इतने ही वॉम थे और चूंकि हम लोग बेसिकली uh, होता है कि हम कोशिश करते हैं उन जगहों पर जाए ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड नहीं है तो उन जगहों पे क्या होता है कि उस तरह नहीं होती। नहीं होते। तो फिर yeah, okay. लोकल्स के साथ स्टे करना पड़ता है hmm. तो जब आप एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है होटल में रुके और अपने तौर पर जगह देखें सो वो पर उनके साथ एक जब इंटरक्शन होता है

घर वाले हैं उनकी मेजर सपोर्ट है अब्बा जो है अब्बा ने बाइक चलाना सिखाई और अब्बा को अगर मैं कहूँ ना कि अबू को अगर कह रही हूँ अच्छा मैंने आ जाना ये करना है तो वो में से ज़्यादा हो जाते हैं हाँ, ओ, हाँ, हाँ करो इसको अम्मा को थोड़ा कंसर्न होता है जो की वो तो तो इनफैक्ट सब लोगों को बता रहे होते हैं कि नहीं गर्ल्स टू डू

और तरह से पालते हो हाँ। बेटों की तरह पालते हो ज्यादा के आ, अपने सारे शौक वो भी पूरे कर रहे होते हो बट हाँ, नाइस <laughs> <laughs> हाँ। की की nice. जिस घर में भाई ज्यादा होता है तो उनको लगता है कि के जो अकेली लड़की एक होती है वो भाइयों के जैसी हो जाती है जिस घर में लड़कियां ज्यादा होती है तो अकेला लड़का उनके जैसे बिहेव करना शुरू हो जाता है अच्छा जब भी कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा करना चाहे कुछ बड़ा करना चाहे या कुछ डिफरेंट करना चाहे तो हमेशा बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपके ऊपर क्रिटिसिजम के लिए आपकी टांग खींचने के लिए आपकी हिम्मत को नीचा करने के लिए ठीक है so, सो um, सबसे ज़्यादा क्या फेस करना पड़ा हाँ दिस हैपन् अभी भी होता है I was sure. <laughs> अभी हुँ, हुँ. जिस भी को। ये चीज़ आप साथ रहती है क्रिटिसाइज करने वाले लोग हमेशा होते हैं अगर आप कुछ नहीं करें तब भी आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे अच्छा ये तो कुछ और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो कहते हैं तो बहुत ज्यादा कर रहे तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है हाँ तो उनको पहले तो मुझसे टैकल नहीं होता था रोता क्या था कि मैं बहुत वो उसमें रोना धोना एक स्टेज होती है तो उसके बाद, हाँ, वो तो नहीं, मैं चले जाती थी वाले फेस में वो, अब, that, yeah, हाँ, आ, तो वो फिर जब उस फेज से निकलती थी ना फिर मैं ज्यादा इंकरेज होकर निकलती थी फिर मुझे पता है कि अच्छा अगर ये फेज आ रहा है यहाँ थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन का टाइम है लेकिन उसके बाद जो है ना वो बादली जो हिम्मत होती है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फिर मैं उसके साथ निकलती थी ओके इफ़ ये वाली चीज़ इज़ लाइक like, ये प्रॉब्लमैटिक है या इस तरह से लोग इस पर आ रहे हैं सो आई चेंट दिस स्ट्रैटी एंड आई इट बेटर I really wanted to know because I really want के जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं उनसे जानूँ कि वो कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं एंड डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सी हर्डल्स आती हैं and how come they just come over it so easily और uh, like you said कि जब जब कोई बहुत discourage करता था तब तक आप

वीक हो गया है ना उनके hmm. सामने यू हैव यू माइट हैव शोन यू वीकनेस समथिंग नाउ यू हैव टू बी स्ट्रांग वो जब अंदर से वो हिम्मत आती है ना कि ओके दिस टाइम आई हैव टू बी स्ट्रांग तो ऑटोमेटिकली उसके जो आउटकम्स होते हैं वो ये होते हैं कि बिकम मोर इन एंड यू डू बेटर उसमें भी ने कुछ आपके लिए वो बेहतर चीज रखी होती है आपको कुछ सिखाने के लिए, बिल्कुर, बिल्कुर. So that's really feel like के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए वो चीजें रखी होती है उसमें नहीं तो मज़ा ही नहीं आता अगर सब हाँ, पाथ ऐसे अब आपके भी जो पाथ हैं वो जहां जहां जाती हैं कितने मुश्किल है जब इतने मुश्किल रास्तों से गुजर के किसी खूबसूरत सी जगह पहुंचती है तो उसका और ही मजा होता है हम कहें कि लाइफ ये है कि इट्स लाइक गो स्ट्रेट 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 सीधा सीधा इससे कुछ नहीं है तो इफ़ यू एक्सेप्ट कि इट्स बेसिकली अ मिक्स बोथ ऑफ दिस थिंग्स किसी भी टाइम पे ये फेज आ सकता है किसी भी टाइम पे ये फेज आ सकता है दोनों दिन डू इज लाइक आपने उसको एक्सेप्ट करना है एम्ब्रेस करना है एंजॉय करना है उसे सीखना है और आगे बढ़ना है दैट्स इट अच्छा हम लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं स्पेशली जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं रोड्स थोड़ी खराब हैं वो आता ड्राइव करना पड़ता है इतना थक जाते हैं कि उसके बाद एक दिन हमें आराम के लिए चाहिए होता है बाइक पे यू नो स्ट्रेट बैठ के नॉन स्टॉप पर लंबी लंबी ट्रैवलिंग करना सो so, uh, कैसे लाइक डोंट यू गेट टायर्ड उस समय ब्रेक्स लेते हो क्या करते yes, हो yes, और get क्या बोर नहीं होते म्यूजिक श्यूजिक नहीं सुनते बाइक पे कोई सिस्टम लगा होता है थोड़ा सा लाइट करने के लिए क्या करते अच्छा, हो अच्छा नॉर्मली ऐसे होता है कि जब हम uh, बड़ी कह लें कि ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रही हूँ ऑन एयर नॉर्मली ऐसे होते हैं कि बनाए टीम तो हम फॉजेज ले लेते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद बट ऐसे होते हैं एज वेल उसमें होते है कि सुबह से हम बाइक चलाना शुरू करते हैं और रात तक वी हाफ रीचर डेस्टिनेशन तो आई रिमेंबर के जब मेरे साथ लॉन्गेस्ट कितनी जर्नी की है बारह घंटे चौदह घंटे हाँ हम सुबह में निकले लेकिन उसमें ब्रेक्स भी आती हैं बीच में दो तीन बार रुक गए लेकिन रात में जब बहुत बुरी हालत होती है ना वो एक बिल्कुल एक अलग ही सिचुएशन होती है आप रात थक जाते हैं फिर वो नेक्स्ट बेसिकली हम लोग एक ट्रिप लेके गए थे कश्मीर डिस्कवर पाकिस्तान एज़ टेकन दैट ट्रिप जिसमें मुख्तलफ जो बाइकर्स नी पाकिस्तान से दे हैव जॉइंड अस और हम लोगों ने रत्ती गली तक जो है वो एक्सप्लोर किया था कोहाला ब्रिज से अच्छा उसमें ये होता था कि हम लोग तकरीबन ये आठ से दस दिन का ट्रिप था और इसमें सुबह जो है

सारा पाकिस्तान जब एक्सप्लोर कर लोगे अपनी बाइक के ऊपर फिर क्या करोगे दोबारा से करोगे नहीं या कहीं बाहर निकलोगे नहीं दोबारा से तो बोर है कुछ जगह जो है उन पे भी गएंगे गैन लेकिन हाँ बाहर निकलोगे फिर बाइक पे बॉर्डर से बाहर इनशा इनशा एंड यूल मेक पाकिस्तान प्राउड है यानी कि अगर पाकिस्तान से कोई लड़की बाइक पे बाहर जा रही है एक पाकिस्तान का इमेज भी बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि लोग लोगों को यही बताया जाता है कि पाकिस्तान में तो जी बस खुतिन जो है वो घर के अंदर बंद होती हैं और ये आज़ादी नहीं है वो आज़ादी नहीं है सो so, डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज भी बहुत बेटर होगा यस एंड एंड आई गेस इट्स इट्स अबाउट अबाउट पेरेंट्स योर फैमिली इट्स नॉट अबाउट योर ओन सेल्फ आपको शायद इतनी हिम्मत ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स की वजह से मिलती हैं वो आपको ये चीजें बताते हैं घर वाले ही आपको बताते हैं hmm. वही वही चीज आपके दिमाग में डाल रहे होते हैं ना वही चीज आपसे बिकॉज पहली तरबियत और मुझे लगता है थ्रू आउट भी घर वालों से ही मिल रही होती है सोशल के जितने भी हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है वो भी घर वाले और आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो आपको बता देते हैं कहीं पर डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली हाँ। आप देख के बहुत कुछ खुद ग्रास्प कर रहे हैं अगर तो घर वाले आपकी चीज़ को समझते हैं तो हमारे मेरे ख्याल से पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें रोल है एंड इट्स अबाउट के एक जो पाकिस्तान के बारे में वही बात है ना कि जिस तरह से भी कह रही हैं कि कहा जाता है ये एक इमेज भी है कि लड़कियाँ से घर तक नहीं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं अब टाइम हैज चेंज लॉट और लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं कर रही हैं लेकिन अगर आप कभी कोई बाहर वो मूवीज़ वगैरह देखो तो आपको जो इमेज वो पाकिस्तानी हाँ। जैसे ही दिखाते हैं तो खुतिन तो एकदम से बिल्कुल वो एक डिफरेंट सा इमेज दिखा देते हैं कि वो बड़ी बेचारी सप्रेस्ड एंड ऑल दैट सो इट्स दे इमेज हैज़ टू बी चेंजड चले डूइंग ग्रेट इन लाइफ अभी आप छोटी सी एज में इतना कुछ लेके चल रहे हो सो विश यू ऑल द बेस्ट यानी कि आपके फ्यूचर के लिए जो कि बहुत आगे लंबा पड़ा है यू शुड बी डूइंग समथिंग रियली रियली ग्रेट और इसी तरह अपना भी आप शौक पूरी करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते Thank हैं थैंक यू यू सो मच इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू बड़ा मजा करो गुफ्तगू करके ऑनर नहीं हमने ऑफर भी बड़ी मजे की गुफ्तगू की सो मजा थैंक यू मच सेम हियर सेम हियर जाने से पहले मैं चाहूंगी एनी मैसेज बिफोर यू गो बहुत से पेरेंट्स के लिए हु हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स जो कि बहुत डरते हैं अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट करते हुए या उन लड़कियों के लिए जो बहुत उनका ख़ुद से दिलचारा होता है टू बी इंडिपेंडेंट ऑन देर ओन ताकि उनको बार बार किसी को रिक्वेस्ट ना करनी पड़े किसी भी चीज़ के लिए बार बार मांगना न पड़े रिक्वेस्ट ना करें क्योंकि प्लीज़ ये कर दें प्लीज़ ये कर दें इधर आ जाए उधर आ जाए उनके लिए कुछ इंक्रेजिंग कुछ एनी मैसेज बिफोर यू गो फर पेरेंट्स आई वुड से ट्रस्ट यूर डॉटर्स उन पे यकीन करें इस चीज़ का कि वो कर सकती हैं हमें थोड़ी सी ने स्पेस देने की ज़रूरत है उन पर आप पूरी नज़र रखें इस तरह से वो पूरा होल्ड रखें ताकि इनके से अगर कोई गिरती हैं तो आप उनको वहां से उनके पीछे उनके साथ खड़े हों लेकिन ये कि उनको एक दायरे में रहकर उनको उनका काम करने दें ताकि दे कुड ग्रो एंड दे कुड लर्न एज वेल दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स बट वो तमाम लड़कियां जो कि करना चाह रही हैं कुछ ना कुछ इन द फील होड दे वॉन्ट टू डू स्टार्ट विद स्मॉल छोटा छोटा करें और छोटा छोटा करें और इसी तरह से जब छोटी छोटी चीजें मिलती हैं तो फिर यू फील के हाँ थोड़े से के बाद वट यू हैव अचीव जिस तरह से और इससे फिर यू स्टार्ट डूइंग बिगर थिंग्स वेल ब्यूटीफुल बहुत अच्छा बोलती हैं तो होस्ट हैं सही सो गुड टू द बेस्ट वंस अगेन थैंक यू सो मचर्स रियली होप लाइक द शो थैंक यू